Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Learning with Rizwan. Aaj Election Act 2017 ka hum second chapter discuss kar rahe hain jo Election Commission of Pakistan ke bare mein hai aur ye section 3 se 16 tak ka hum sara discuss karenge aaj ka ye second lecture hai aur ye lecture series pure Election Act aur jo baki syllabus hai Election Officer Test ka usko bhi cover karegi to channel ko subscribe kare taaki sari videos aap tak na पहुंच जाए सारी तो सबसे पहले सेक्शन 3 हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ द कमीशन कमीशन कैसे काम करेगा ठीक है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कमीशन जो है वो किसी के अंडर नहीं है वो अपना खुद ही ऑन प्रोसीजर्स के साथ अपने फंक्शन ड्यूटीज और एक्सरसाइज करेगा विद ऑन प्रोसीजर अपने तरीके के साथ ठीक है जी और कमीशन जो है उसके अगर एक मेंबर नहीं है कमीशन के अंदर बेसिकली 5 मेंबर हैं एक कमिश्नर खुद और 4 जो हैं वो उसके मेंबर हैं अगर एक मेंबर वेकेंट है तो तब भी वो कार्रवाई अपनी कर सकता है और डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस पे ले सकता है ये दूसरे पॉइंट में सब सेक्शन में बात है तीसरा पॉइंट क्या है अगर मतलब के कोई इख्तलाफ आ जाता है ठीक है लोगों मेंबर्स की राय के अंदर तो फिर मेजॉरिटी जो है उसको देखा जाएगा और वो किस तरह से आ सकता है इख्तलाफ मिसाल के तौर पे अगर 4 बंदे हैं तो जो हैं वो क्या कहते हैं दो दो करके उनका इक्वली ओपिनियन आ रहा है या 3 बंदे और हर तीनों बंदों का जो है वो टोटली डिफरेंट है तो फिर वहां पे भी देखा जाएगा फुल कमीशन के सामने रखा जाएगा और वहां पर भी मेजॉरिटी को देखा जाएगा कि मेजॉरिटी जिस साइड पे है उस साइड पे कमीशन जो है अपना फैसला करेगा तो अच्छा इसके अंदर ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि कमीशन और कमिश्नर मतलब कमीशन में कमिश्नर भी शामिल है यानी 4 कमीशन मेंबर होते हैं जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं ठीक है 4 मेंबर होते हैं और उसके बाद एक कमिश्नर खुद होता है ये टोटल 5 बंदे हो गए नेक्स्ट क्या पावर टू इशू डायरेक्शन कमिश्नर के पास ये इख्तियारात हैं कि वो अपनी पावर्स जो है वो किसी को भी कोई भी हुक्म जो है वो किसी को भी इशू कर सकता है और वो उस बंदे को वो जो है हुक्म पूरा करना पड़ेगा और जो उसका ऑर्डर होगा वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इन्फोर्सेबल होगा जो उसका ऑर्डर होगा साथ ये कि अगर कोई चीज इस एक्ट को चाहिए इस एक्ट के मुताबिक होने के लिए जरूरत है तो वो ये मांग सकता है और उसको जो भी अथॉरिटी होगी वो उसको प्रोवाइड करेगी कमीशन को भैया आपने चीज मांगी है ये हम आपको देते हैं तो ये पावर्स है असिस्टेंस टू द कमीशन कमीशन की मदद ठीक है अगर कमिश्नर को या कमीशन को कोई बंदा चाहिए या कोई भी पर्सन चाहिए किसी भी अथॉरिटी से ताकि वो अपना फंक्शन जो है वो अच्छे से कर सके इस एक्ट के मुताबिक तो वो बंदा प्रोवाइड करेगी अथॉरिटी इसके अलावा ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और फेडरेशन और प्रोविंसेस भी इस चीज की पाबंद है कि अगर कमिश्नर को किसी किस्म का हेल्प चाहिए तो ये सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो सारी असिस्टेंट करेंगे कमीशन को थर्ड पॉइंट सब सेक्शन जो है उसके अंदर ये कह रहा है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो पूरी अपनी कोशिश करेगा कि अवेलेबल करे कमीशन को वो स्टाफ वो बंदे जो उसके लिए काम के लिए चाहिए अगर हत्ता के अगर उसको कमीशन को कोई जज चाहिए सर्विंग जुडिशियल ऑफिसर चाहिए तो वो भी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के से पूछ कर वो भी ले सकता है और एक चीज और है कि इलेक्शन प्रोग्राम जब इशू हो गया यानी पब्लिक हो गया कि इस तारीख से इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं और ये प्रोसीजर होना है तो उसमें कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं करेगी ठीक है ये एक बड़ी बहुत बड़ा पॉइंट है 5 सेक्शन और 4 सब सेक्शन के अंदर कि अगर कोई इलेक्शन का नोटिफिकेशन हो गया प्रोग्राम का पूरा इशू हो गया तो उसमें ट्रांसफर जो है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स का नहीं होता या पोस्टिंग नहीं होती किसी किस्म की हाँ जी डेलीगेशन ऑफ पावर तो कमिश्नर के पास ये इख्तियारात हैं कि वो अपने इख्तियारात जो है वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरे मेंबर को भी या ऑफिसर ऑफिसर को दे सकता है किसी काम के लिए और साथ उसके पास ये इख्तियारात भी हैं कि वो नई अपॉइंटमेंट कर सकता है अपने स्टाफ की अपने महकमे में नई भर्तियां कर सकता है और ताकि वो जो फंक्शंस हैं जो भी काम है इलेक्शन के वो स्मूथली चल सके नेक्स्ट बात यह है कि कमिश्नर जो है वो एक बेंच बना सकता है और वो बेंच 3 या 3 से ज्यादा बंदों का हो सकता है जो मुख्तलिफ किस्म की पटिशन और अपील्स वगैरह को भी सुने इसके अलावा जो बेंच है अगर उसके डिसीजन में कहीं पे डिफरेंस आ रहा है यानी वो फैसला नहीं कर पा रहे तो फिर ये डिसीजन जो है फुल कमीशन जो है खुद अपने सामने रखेगा और जो है फैसला करेगा
तो मतलब कि सेक्शन 6 के अंदर यह है कि वो अपने अख्तियारात किसी और को दे सकता है, और अगर मसले कोई अपील्स हैं, पटिशन्स हैं, कोई ट्रिब्यूनल केस चल रहा है तो उसके लिए वो बेंच से तश्कील दे सकते हैं, और बेंच अगर फैसला ना करे तो फिर फुल कमीशन जो है उसको मजीद आगे लेके चलेगा। ठीक है जी। प्रॉपर्टी, पावर ऑफ रेगुलेशन, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में यार ये आ जाती है व्हीकल्स वगैरह हैं, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, तो अगर वो चाहिए तो प्रोविजनल गवर्नमेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज का सबसेक्शन 2 के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो सवारियां या वो व्हीकल्स या गाड़ियां जो इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट यानी जो बंदे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी है, तो उनकी कोई गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन को काबिले कबूल नहीं किया जाएगा। शैल नॉट रिक्विजिशन बीइंग यूज्ड बाय कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट्स। ठीक है जी। और अगर मतलब नहीं मिलती तो कोई और पोजीशन या गाड़ी मतलब गवर्नमेंट की अपनी नहीं है तो वो किसी और से भी ले सकती है, या इस पुलिस फोर्स वाली जो है गाड़ी वो भी इस्तेमाल कर सकती है। अगर नहीं तो फिर किसी प्राइवेट से लेकर ऑनर को पे करके अपना जो है हिसाब किताब जो है वो अपना सारा इलेक्शन का जो काम है प्रोसीजर है वो चला सकती है, और फिर उसके जितने फेयर और रेट्स होंगे वो बाद में एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी। ये तो प्रॉपर्टी की बात होगी जी। पावर ऑफ कमीशन और टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। अब पावर क्या है जी इसके पास, फेयर इलेक्शन किस तरीके से करवाने की क्या अख्तियार है। सबसे पहला अख्तियार ये है कि ये किसी एक जगह पे या एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पे जो पोलिंग है इंतखाबात है ये रुकवा सकता है, कमीशन जो है वो रुकवा सकता है, अगर उसको लगे कहीं पे सही नहीं हो रहा है, इंटिमिडेशन हो रही है, प्रेशर हो रहा है, प्रिवेलिंग हो रही है, यानी कहीं भी लगे कि लॉ जो है वो खराब हो रहा है तो वो उसको रोक सकता है कि भाई मुनसफाना इंतखाबात नहीं हो रहा है, या फिर ऑर्डर कर सकता है, पास कर सकता है किसके बारे में, जो रिजेक्शन ऑफ बैलेट पेपर, अगर कोई नो पेपर है, बैलेट पेपर कहते हैं वो वोट वाला सफा होता है ना, अगर वो रिजेक्ट हो गया तो उसके बारे में भी वो रिव्यू कर सकता है और ऑर्डर पास कर सकता है। और तीसरे नंबर पे जो इख्तियारात हैं वो ये हैं कि इश्यू सच इंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज सच पावर्स एंड मेक सिक्वेंटली ऑर्डर्स मे इन इट्स ओपिनियन बी नेसेसरी फॉर इंश्योर। हाँ, जितने भी कोई इंस्ट्रक्शन है उसको कहीं भी महसूस होता है कि यार होनेस्टली और जस्टली और फेयरली इलेक्शन के लिए ये मेरा फैसला जरूर होना चाहिए, हदायत मेरी जरूर होनी चाहिए, तो वो कमीशन अपनी पेश कर सकता है। अच्छा जी, कमीशन के पास ये भी इख्तियार है कि वो पोलिंग को, इंतखाबात को कुल कुलदम करार दे सकता है, यानी बिल्कुल फेक, गलत, सही है, कैंसिल कर सकता है, मिसाल आम अल्फाज में कह रहे हैं। तो वो कब करेगा, अगर वो उसको लगे कि भाई रीजन जो है ये इलीगलिटीज बहुत ज्यादा आई है, वॉयलेशन बहुत ज्यादा हुई है, तो उस मौके के ऊपर ये जो है इलेक्शन ऑफ कमीशन जो है, कमीशन यानी वही 5 बंदे, ठीक है, वो ये कर सकते हैं कि उसमें उस जगह पे इलेक्शन क्रॉस कर दें और कहें कि टू रिकास्ट के दोबारा वोट डालो और बाय इलेक्शन करवाओ, जमनी इंतखाबात के साथ करवाओ। ठीक है। तो ये भी इख्तियारात हैं कमीशन के पास कि वो कुलदम कर सकता है। और क्या कुलदम की रीजन हो सकती है, एक तो ये होगी कि इलीगल वायलेशन है, इलीगल जो है वहां पर कोई काम हो रहे थे जो मुनसिफाना इलेक्शन नहीं किया। दूसरा ये कि अगर टर्न आउट ऑफ वुमेन वोटर इज लेस देन 10%, अगर औरतें जो हैं वो 10% औरतें जो हैं सिर्फ निकली हैं वोट देने के लिए, मिसाल के तौर पर 5,000 औरतें थी उस जगह पे पोलिंग स्टेशन पे, और टोटल कितनी निकली सिर्फ वहां पर जो है 50, आप कह लेना 10%, 50 से भी कम निकली, तो तब वो उधर जो है वो कर सकता है और ये कह सकता है कि भाई यहाँ पे औरतों को जो है वोट नहीं डालने दिए जा रहे, तो इसलिए उस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पूरे हल्के के अंदर या एक पोलिंग स्टेशन में या एक से ज्यादा पोलिंग स्टेशन के अंदर वो जो है वोटिंग को कुलदम करार दे के रोक सकता है और खत्म कर सकता है, और दोबारा इलेक्शन का नए तरीके से शुरू करने का और नए प्रोसेस के साथ स्टार्ट करने का हुक्म देगा। तो ये था सेक्शन 9। सेक्शन 10 के अंदर क्या है जी, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। जो पावर हाई कोर्ट के पास है ना पनिशमेंट देने की, वही पावर जो है ये कमीशन के पास है कि वो इसको जो है सजा दे सकता है अगर कोई बंदा इलेक्शन के दौरान कोई गलत काम करता है या इलीगल या रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है या किसी ऑफिशियल से कोई गलती होती है, तो इसके पास भाई वही इख्तियारात हैं जो हाई कोर्ट के पास है। ये 10वें सेक्शन के अंदर है। 11वां सेक्शन है जी, अखराजात कहाँ से लेगा कमीशन। अखराजात लेगा फेडरल कॉन्सोलिडेटेड फंड से, जो आर्टिकल 81 है। ये आर्टिकल 81 जो है ये आइन का है, ठीक है, पाकिस्तान के आइन का। तो उस आइन के आर्टिकल 81 के मुताबिक ये अपने सारे अखराजात जो है फेडरल कॉन्सोलिडेटेड फंड से लेगा, और इस कमीशन को पूरी इजाजत है
कि वो अपनी फुल फाइनेंशियल पावर को इस्तेमाल करके उसको जैसे मर्जी सैंक्शन करे, जितनी चाहिए और जहां जहां खर्च करना चाहे, वो बजटरी एलोकेशन खुद ही करके, और चाहे वो कोई पोस्ट वगैरह यानी खुद ही भर्तियां करे, वो जितनी उसको चाहिए वो यहाँ पर इसको जो है वो जो है क्या नाम है वो कर सकता है, मगर उसकी ऑडिटिंग और एप्लीकेबल लॉज के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है जी। इसके अलावा हाँ जी, ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस के लिए कमीशन के क्या इख्तियारात है? एक तो ये कमीशन जो है वो ट्रेनिंग करेगा, प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेगा किसकी भाई, जो लोग हिस्सा लेते हैं उसके अंदर, इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन ऑफिसर होते हैं ज्यादा, सरकारी मुलाजिम होते हैं उन सब की। और दूसरा जो है लाज रखने वाले, यानी जितने भी लोग हैं जो इससे पब्लिक इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं, सरकारी मुलाजमीन है, उनके इलेक्टोरल लॉज और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए भी जितना नॉलेज हो सकता है ये पहुंचाएं। तीसरा कि आम आवाम जो है पब्लिक अवेयरनेस है उस तक ये प्रोग्राम जो है वो बना पेश किया जाए मीडिया के जरिए। ठीक है, स्पेशली जोर दिया जाए वुमेन्स के ऊपर कि वो आके लाजमी लाजमी वोट डाला करें। ठीक है, और इसके पास पूरा इख्तियार है कि वो लॉज और रूल्स और रेगुलेशन जो है उसको फोर्स में लाए, जितने भी ये कानून है उसकी पासदारी के लिए ये पूरी की पूरी कोशिशें करें। तो ये 12वें के सेक्शन के अंदर जो है ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर जोर है। ट्रेनिंग होगी ऑफिशियल्स की और पब्लिक अवेयरनेस होगी आम आवाम की। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को इसने कमीशन ने इसको भी देखना है। लास्ट हमारे पास सेक्शन 13 है, इसके अंदर ये लिखा है कि आरएमएस बनाना, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है इसने। तो इसके लिए उसको चाहिए कि एस्टेब्लिश करे एक ट्रांसपेरेंट शफाफ रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका टेबुलेशन, कंपाइलेशन, ट्रांसमिशन और डिसमिनेशन और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, यानी सारी चीजें आसानी से हो सके। तो इसके लिए उसने जो अभी लेटेस्ट चीज चली है वो ये कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो तस्वीरें लेकर रिजल्ट की जो है काउंट, जो गिनती की है रिजल्ट की, उसकी तस्वीरें जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करेगा कमीशन को। ठीक है, और ये बात 90वें सेक्शन के अंदर, यानी अभी 13वां सेक्शन चल रहा है ना, 90वें सेक्शन के अंदर भी ये बात भी की हुई है मजीद। ठीक है, और रिटर्निंग, अब यहाँ पर उसको डिटेल बता रहा है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो कंपाइल करके 2 बजे से पहले पहले तक वो जो है भेज देगा किसको, कमीशन को, इलेक्ट्रॉनिकली बाय स्नैपशॉट या तस्वीर के जरिए। अगर वो 2 बजे तक नहीं पहुंचा सकता तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपने हलकों को बताएगा कि ये पोलिंग स्टेशन रह गए, इधर से बस रिजल्ट आता है तो मैं आपको भी सेंड कर देता हूं। तो भाई उधर से मिलेगा एक, तो फिर ये उसको वहां से बताएगा कि इन इन पोलिंग स्टेशन से रहता है, अवेटेड है, तो इधर से जब आएगा तो मैं आपको फॉरन भेज दूंगा। अब भेजेगा क्या, स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट। प्रोविजनल रिजल्ट वो होता है जो अभी जो होता है अनऑफिशियल होता है, मगर होता कंप्लीट ही है। ठीक है, पूरी गिनती जो आपके हल्के की हुई हुई है वो प्रोविजनल रिजल्ट। ठीक है, और स्कैंड कॉपीज ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द काउंट, फाइनल कंसोलिडेटेड रिजल्ट टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ द काउंट एंड बैलेट पेपर। एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होती है और साथ फाइनल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होती है रिजल्ट की, ये दोनों जो है ये भी उसकी भी तस्वीरें जो है वो भेजेगा। ठीक है, दी रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कमीशन को ओरिजिनल कॉपीज भी है वो स्पेशल मैसेंजर के जरिए यूएमएस करके या किसी कोरियर के जरिए कमीशन तक वो भी 1-2 दिन के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचाएगा। और जैसे ही कमीशन के पास रिजल्ट आ जाएगा वो रिजल्ट को भी पब्लिश करेगा, साथ जेंडर डिसग्रेगेटेड डाटा भी बताएगा कि कितने मेल्स ने वोट डाला, कितने फीमेल्स ने वोट डाला, और साथ और इसको वेबसाइट पे ये पब्लिश करेगा। ठीक है, कमीशन जो है एक्शन प्लान जो है वो क्या है, सेक्शन 14 में एक्शन प्लान लिखा हुआ है। एक्शन प्लान ये है कि जब इलेक्शन होने वाले होंगे तो उससे कम से कम 4 महीने पहले जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव सा एक्शन प्लान बनाएगा कमीशन के, भाई इस तरीके से मैंने वोटिंग करनी है। ये इलेक्शन प्लान मैंने आपके सामने कर दिया है। इसके अंदर सबसे पहले जी हल्का बंदी है, ठीक है, फिर इंतखाबी फहरिस्त को रिवाइज करना, ठीक है, दोहराई उसकी, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के लिस्ट बनाना, फिर उनको सिंबल देना, इंतखाबी निशान देना, फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर और अदर ऑफिशियल्स, इन सब की तैनाती करना, फिर उनकी पोलिंग स्टेशन की लिस्ट बनाना और वहां वहां जिस बंदे की ड्यूटी है वो बताना, फिर बैलेट पेपर की छपवाई है, फिर ट्रांसफर इलेक्शन और रिजल्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई नई टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहे या इलेक्शन ऑब्जर्वर की अरेंजमेंट है, इलेक्शन ऑब्जर्वर वो होते हैं जो मुबस होते हैं, मुबसरीन,
यानी इलेक्शन को देख रहे होते हैं कि भाई ये सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सही, वो भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर ही होते हैं। और साथ साथ कोई अगर अपीलेट है या ट्राइबूनल्स हैं यानी उनके लिए बनाना, यानी कोई अगर बंदा अपील कर देता है, कोई नॉमिनेशन किसी का नामजद मुस्तरद हो गया तो उसकी अपील के लिए अपॉइंटमेंट्स करना, साथ स्कोटी मेजर देखना कि भाई कोई स्कोटी अपनी चेक करना बैलेट पेपर की, या दुराने पोलिंग या पोलिंग के बराबर के बाद, या जितने भी गिनती शिंकी मराइल हैं उन सब तक, और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाना। तो ये सेक्शन 14 के अंदर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने आपको एक चार्ट की शक्ल में बता दिए। ठीक है जी। द कमीशन शैल कैरी आउट अ पोस्ट, अच्छा फिर क्या करेगा जी, पोस्ट इलेक्शन रिव्यू बनाएगा पूरे इलेक्टोरल सिस्टम का, और पोस्ट यानी कि इलेक्शन के बाद एक रिव्यू करेगा, उसमें जो सजेशन आएंगी वो नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट यानी सालाना रिपोर्ट जो होती है उसमें वो जरूर मेंशन करेगा। सेक्शन 15 में है जी कंप्लेंट्स, अगर कोई बंदा कंप्लेन करेगा तो उसको भी ये 15 दिन के अंदर कमीशन जो है वो उसको डील करेगा और उसकी कंप्लेंट का जवाब जो है वो उसको फौरन से फौरन देगा। ठीक है। और अगर कोई मतलब कमीशन कोई बात करता है और कोई कैंडिडेट उसके खिलाफ जो है कोई बंदा जो है उसके खिलाफ बोलता है तो 15 दिन होते हैं जी उसके खिलाफ बोलने के, और कमीशन जो है उसका 30 दिनों में फैसला करके उसके जो है वो पास करेगी और वेबसाइट पे इसको बताएगी कि ये कंप्लेन आई थी और इसका ये हमने मसला हल कर दिया है। अच्छा जी, कमीशन टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 16 कि कमीशन को एनुअल रिपोर्ट भी भेजनी है। वो एनुअल रिपोर्ट कब भेजेगा, जब साल खत्म हो जाएगा तो उसके ठीक है 90 डेज में, ठीक है साल होने के 90 डेज के बाद वो जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है पब्लिश करके सेंड कर देगा, किसको, फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविजनल गवर्नमेंट को। अब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करेगी, 60 दिनों के अंदर उसको रिसीव करेगी और असेंबली में पेश करेगी, और असेंबली में पेश करने के बाद जब वो उसमें असेंबली में पेश कर देगी 60 दिन के अंदर अंदर, तो फिर वो उसको पब्लिश कर देगा एनुअली, कमीशन उसको पब्लिश कर देगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। तो ये सेक्शन 16 के अंदर एनुअल रिपोर्ट जो है वो बनेगी, साल के आखिर के 90 दिन बाद बनेगी, 60 दिन के अंदर अंदर उसने प्रोविजनल असेंबली को भेजेगी, प्रोविजनल 60 या फेडरल असेंबली जो है मजलिस शूरा वो 60 डेज के अंदर इसको जो है वो समझेगी और असेंबली में पेश करेगी, और उसके बाद जो है इसको एनुअली पब्लिश कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो ये था आज का लेक्चर, बाकी लेक्चर्स सारे लेक्चर्स के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और नेक्स्ट क्लास के लिए यहाँ पर क्लिक करें, मजीद लेक्चर भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।